नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने एक ऐसे लड़के के साथ घटी हुई ऐसी अजीबो गरीब खतरनाक भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गए जिस सुनने के बाद आप लोग किसी भी घर में अकेले रहने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। स्टार्टिंग में कोई स्पॉयलर नहीं दूंगा, आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते हैं कि घटना कब, कैसे, कहाँ पर, किन हालातों में किसके साथ घटी थी। ये जो घटना घटी थी ना, अमर नाम के लड़के के साथ घटी थी आज से ठीक 2 साल पहले। ये जो अमर है ना, ये पुणे में रह के एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जॉब करता था। लेकिन जो ये अमर था ना, वो मतलब पीजी में रहता था, जैसे कि हो गया 5-6 लड़के हो गए या 4 लड़के हो, ऐसे टाइप के एक शेयरिंग रूम जैसा, शेयरिंग रूम जैसा था, वैसे रूम में रहता था। ये अपने जॉब से भी अच्छा खासा खुश था क्योंकि बड़ी सी कंपनी थी तो उसको सैलरी भी अच्छी खासी मिलती थी। लेकिन वो ऐसे खुश नहीं था कि मैं इतने सारे लड़कों के साथ रह रहा हूँ। लेकिन अभी उसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत थी, घर पर भेजना रहता था, इसलिए वो सेपरेट कोई ऐसे फ्लैट रेंट पर लेके नहीं रह रहा था, वहीं पर रह के उनके साथ जॉब कर रहा था। उसकी ज़िंदगी ऐसे ही अच्छी खासी निकल रही थी, कोई भी दिक्कत नहीं था। लेकिन 2 साल पहले एक टाइम ऐसा आता है कि इसके कंपनी वाले लोग बोलते हैं कि हम तुम्हारा प्रमोशन करना चाहते हैं, और जैसा ये सुनता है कि प्रमोशन होने वाला है, ऑब्वियस सी बात है कोई भी इंसान खुश होगा ही, ये भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो लोग बोलते हैं प्रमोशन तो करने वाले हैं लेकिन तुम पुणे में नहीं रहोगे, तुम नासिक जाओगे, नासिक में तुम्हारा हम प्रमोशन करके तुम्हें एक मैनेजर लेवल तक हम डाल रहे हैं, तुमको वहीं पे नासिक में रहना पड़ेगा, तुमको एक सेपरेट फ्लैट भी मिलेगा और आराम से अपना वहाँ पे काम वाम संभालना। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होने का एक कारण और होता है क्योंकि उसका अमर का भाई भी नासिक में ही ऑलरेडी रह रहा था, छोटा भाई, उसका छोटा भाई ऐसे ही शेयरिंग रूम में ही कुछ लड़कों के साथ रहता था और अपना वहाँ पे जॉब अप करता था। लेकिन इस बात से इसलिए खुश होता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो कभी भी हम दोनों भाइयों को मिलना होगा तो मिल सकते हैं, कोई भी चीज़ें शेयर करनी है तो शेयर कर सकते हैं, या कुछ भी दिक्कत होती है तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, आखिरकार एक ही शहर में जो रहेंगे। तो ये बहुत खुश होता है, उसके बाद अपने ऑफिस वगैरह जाता रहता है कुछ दिनों तक। उसके बाद डेट फाइनली वो आ जाता है जब इसका सामान लेके इसको नासिक शिफ्टिंग करना था। तो नासिक शिफ्टिंग करना था, कंपनी वाले लोग ही सब कुछ करवा रहे थे क्योंकि अब ये मैनेजर लेवल तक चला गया था। ये वहाँ पे नासिक में आता है जिस फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए, वहाँ पे वो जब सामान शिफ्ट कर रहा था अपना, उस टाइम पे उसे थोड़ा बहुत वियर्ड सी अजीब सी चीज़ें नोटिस करता है। उसे ना कुछ लोग अजीबोगरीब देखते हुए दिखाई देते, कुछ लोग तो उसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा कुछ लोग इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ लोग उसे देख के अजीब सा स्ट्रेन सा मुंह बना रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन बोलता है खैर मुझे क्या करना है, मुझे अपना यहाँ पे शिफ्ट होना है, मुझे अपने काम से मतलब, मैं कौन से पड़ोसी के घर पे चाय पीने जा रहा हूँ या मैं कौन से उनके साथ गप्पे लड़ाने जा रहा हूँ, नहीं बात करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। इतना कुछ माइंड नहीं करता है, अपना सामान वामान सब शिफ्ट करवा लेता है, सामान वामान शिफ्ट करवाता है। उसके बाद उस रात में बहुत ज़्यादा थका हुआ था, उसी जो नया फ्लैट था वहीं पर रहता है, और उसके बाद उसकी रात में नींद बहुत जल्दी आ गई थी, रात बात पूरी निकल जाती है। उसके बाद से ना इसका कुछ महीनों तक काम पता है कैसा था, जैसा कि कुछ दिन तक नासिक में कुछ आउटडोर टाइप काम हो गया, उसकी ट्रिप रहती थी, कभी यहाँ जाना है कभी वहाँ जाना है बहुत दूर दूर का, तो ये ज़्यादातर घर कभी आता भी था कभी नहीं भी आता था क्योंकि दूर दूर जगहों पर भी उसको भेज रहे थे। तो ऐसा करते करते पूरे 1.5 महीने बीत जाते हैं। 1.5 महीनों में ना कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें, जब ये घर पर आता था तो कुछ अजीब नोटिस करता था। वो क्या नोटिस करता था कि मैं जब घर पे अपने चीज़ें ऐसे सेटल करके जा रहा हूँ और मैं आता हूँ तो चीज़ें वैसी नहीं रहती है, जैसे कि मान लो फ्रिज में जो सामान मैंने खाने वाने का कुछ भी रखा हूँ, मैं आता हूँ तो पूरा सब सामान फ्रिज से बाहर ऐसे फीका हुआ पड़ा हुआ है, और जो बेडरूम में मेरे कपड़े रखे हुए जो अलमारी के अंदर, वो सारे कपड़े निकल के ऐसे ज़मीन पे फिके हुए हैं या तो बेड पे फिके हुए हैं, और जो बाहर वाले हॉल वाले एरिया है वहाँ पे पूरा सामान ऐसे फैला हुआ है। उससे ये चीज़ देख के एक तो गुस्सा भी बहुत आता था और सोचता था ये कैसे हो सकता है, क्योंकि कंपनी वालों ने मुझे ही चाबी दी है, किसी और के पास चाबी नहीं है, तो ये सब कुछ खुरापात आखिर करता है तो कौन करता है, ये चीज़ों को लेके बहुत कंफ्यूज रहता था। और उससे अपनी सारी चीज़ें सेटल करके रखना बहुत ज़्यादा पसंद था कि मतलब जो चीज़ जहाँ पे है वैसा ही रखना है, उसको ऐसा पसंद था। लेकिन ये सारी चीज़ें कुछ दिनों तक वो नोटिस करता है, ठीक करता है, सोचता है कि अब मैं बात करता हूँ अपनी कंपनी वालों के यहाँ, कंपनी वालों के यहाँ फ़ोन करता है, मेल करता है, उनसे बात करता है, वो लोग बोलते नहीं आपके अलावा, हमने एचआर से बात करता है, जब बोलता है कि नहीं आपके
उसके अलावा उस फ्लैट की चाबी किसी को नहीं दिया गया है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमसे इतनी बड़ी गलती थोड़ी हो सकती है। ये सोचता अगर नहीं दिया गया फ्लैट की चाबी तो आखिर ये सब कुछ हो कैसे रहा है। लेकिन ये सब कुछ बहुत ही कम लेवल तक हो रही थी। अभी इसे पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। उसने इमेजिन तक नहीं किया था कि क्या होने वाला है, क्या होता है। ये सारी चीज़ें होते होते एक दिन की बात है, संडे का दिन था, उसकी ऑफिस से छुट्टी था। तो वो ना सोचता है कि आज मैं जाता हूँ अपने भाई से मिल विल के आता हूँ थोड़ा, और थोड़ा टाइम पास करके पार्टी करके जल्दी रात में घर पे आ जाऊँगा, उसके बाद जो भी ऑफिस का काम रहेगा नेक्स्ट डे से मंडे से सारी चीज़ें कर लूँगा। तो वो अपने भाई के यहाँ चला जाता है संडे वाले दिन मॉर्निंग में 9-10 बजे करीब निकल जाता है, वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पर पहुँचता है, उसका भाई उसको देख के बहुत खुश होता है, अपने दोस्तों से जो रूममेट्स थे उनसे मिलवाता है। उसके बाद ये लोग जैसे प्लानिंग किए थे पार्टी वार्टी करने की, शाम को पार्टी वगैरह सब ऑर्गेनाइज करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, मस्त मूवी लगाए हुए थे हॉलीवुड की, मस्त देख रहे थे, इन्जॉय करते करते रात के 11:30-12 बजे का टाइम हो जाता है। जब इतना टाइम होता है तो अमर अपने भाई को क्या बोलता है, देख भाई अब मैं निकल रहा हूँ क्योंकि जाऊंगा जल्दी सोऊंगा, तभी तो मंडे का इतना हेडेक है, वो सब काम का भी तो रहेगा। तो उसका भाई बोलता है रुक जाना एक दिन, क्या है छुट्टी मार लेना। बोलता है नहीं नहीं भाई, अभी अभी इतना बड़ा प्रमोशन हुआ है, अभी भी छुट्टी मारना सही नहीं है, बाद में कभी देख लेंगे, तू भी कभी आना हमारे फ्लैट पे और अपने दोस्तों को लेके वहाँ पे भी पार्टी वार्टी करेंगे। तो उसका भाई बोलता है ठीक है भैया, वह सब बोलता है, बात बात करता है। उसके बाद उसके भाई के फ्लैट से निकल जाता है, वो थोड़ा दूरी पर था, 3-4 किलोमीटर इतना दूरी पर रहता था उसका भाई, वहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे अपने घर पे आता है। अपने घर पे आता है तो क्या पाता है, सब सामान वैसे ही बिखरा हुआ है जैसा कि हमेशा होता है, कि हमेशा सब कुछ बिखरा हुआ है, आता हूँ सब कुछ समेटता हूँ। आज सोचता है भाड़ में जाए, कुछ नहीं समेटूंगा, अब मैं इसको कल ही समेटूंगा या जो करना है करूंगा, अभी मेरा बहुत दिमाग खराब है, वैसे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, खा पी लिया हूँ बहुत ज़्यादा, अब सोने ही डायरेक्ट चला जाता हूँ। वो ऐसा ही करता है, सब कुछ सामान वामान वैसे छोड़ता है, जाता है वॉशरूम में फ्रेश होता है और उसके बाद अपने बेड पे बेडरूम में जाके सोने के लिए चला जाता है। और उसको बहुत ही जल्दी नींद भी आ जाती है, सो तो जाता है, तभी उसे रात के 3 बजे के आसपास कुछ बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसे क्या महसूस होता है कि कोई आराम आराम से मेरे बेड पे आया और आके मेरे बाजू में सो गया। और जैसे उसे ये महसूस होता है वो अंदर से बिल्कुल कांप जाता है, वो समझ नहीं पाता है कि मेरे रूम में मेरे बेड पे कोई कैसे आके सो सकता है। और लिटरली जो सोया था उसकी सांस की जोर जोर से आवाज़ उसे महसूस हो रही थी, ऐसी ऐसी आवाज़ महसूस हो रही थी। वो अब बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, वो इतना ज़्यादा घबरा गया था जो कंबल उसके यहाँ तक था उसको ऐसे झटके में ऊपर करता है धीरे से, और ऐसे ऊपर करके अपने आप को छुपा के सोने की कोशिश करने लगता है। आँख नहीं खोला था वो, उसको ऐसा लग रहा था मैं आँख बंद करके रखूँगा तो शायद ये सारी चीज़ों से मैं बच जाऊँगा। वो डर तो बहुत ज़्यादा गया था, उसे महसूस हो गया था कि कुछ तो एबनॉर्मल यहाँ पर हो रहा है, नॉर्मल तो कुछ भी नहीं है, वो अपने आप को ऐसा ढका हुआ है। तभी 2 मिनट के अंदर ही उसे अचानक से बहुत जोर से उसके अलमारी के पास कुछ गिरने की आवाज आती है, बहुत जोर से, इतनी जोर से आवाज आती है कि वो खुद को संभाल नहीं पाता है, वो अचानक झटका लेता है, घबरा जाता है। लेकिन जैसे ही वो झटका लेता है, घबराता है, वो जो चीज उसके बाजू में सोई हुई थी ना, वो उठते हुए उसे अचानक से महसूस होती है। वो उठती है और धीरे धीरे करके उसके पैर के पास से उसके पेट पे आके बैठ जाती है। और जैसे ही वो चीज़ इसके पेट पे आके बैठती है, इसका दम घुटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा भारी और दबाव महसूस कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वो अब अपने आप को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इतना ज़्यादा डर गया था वो। वो सोचता है कि मैं हिम्मत करके अपना कंबल हटाऊंगा और आँख खोल के देखूंगा कौन मेरे पेट पे बैठा है जो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊँगा। वो अपना कंबल धीरे से हटाता है और धीरे से अपनी ऐसी आँख खोलता है। लेकिन जैसे ही अपनी आँख खोलता है, क्या पाता है, उसके पेट पे एक औरत बैठी हुई है और वो बहुत ही जोर जोर से रो रही है, सिसक सिसक के ऐसा कर कर रो रही है बहुत ही जोर जोर से। उस औरत को देख के इसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है,
बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है, बहुत जोर से चीखता है, लेकिन वो औरत अपना रोना बिल्कुल भी बंद नहीं करती। औरत और भी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। वो खुद को बहुत ही ज्यादा उससे छुटाने की कोशिश करता है कि मैं ऐसे धक्का मार के उसको गिरा दूं, वहां से उठ के भाग पाऊं, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं भाग पा रहा था। बहुत कोशिश करता है, बहुत चिल्लाता है, हाथ पैर भी नहीं हिला पा रहा था, लेकिन कैसे कैसे करते करते वो जोर से उसको ऐसे हाथ से मारता है और वो औरत जैसे ही थोड़ा साइड में गिरती है वो वहाँ से भागता है और सीधा गिरते पड़ते भागते भागते वो अपने रूम से फ्लैट से बाहर निकल जाता है चिल्लाते हुए बाहर निकलता है और पूरी रात वो रोड पे बैठ के बिताता है। क्योंकि वो समझ गया था कि वो जो भी औरत थी वो नॉर्मल औरत तो नहीं थी, कोई ना कोई भूत प्रेत या कोई भी चुड़ैल थी वो, जो शायद मैं वहाँ पे रहता तो मुझे मार डालती। वो रोड पे बैठे बैठे पूरी रात बिताता है, एकदम डर के माहौल में रहता है और सुबह सुबह ही अपने कंपनी में मेल कर देता है और एचआर को फ़ोन भी करता है और रात की सारी बात बताता है। बोलता है कि अगर मुझे ये जॉब ख़त्म भी होता नहीं भी मिलता है, मैनेजर पोस्ट हटा भी दिया जाता है तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अपनी जान से जोखिम में नहीं डाल सकता। ये घर भूतिया है और आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था। मैं आज की आज इस घर खाली कर रहा हूँ और मैं कहीं और रेंट पे रहने जा रहा हूँ। तो एचआर भी बात समझता है और बोलता है कि ठीक है, आज तुम अपने घर का सब सामान वामान शिफ्ट करवा लो, कोई भी अपने भाई से बात बात कर लो, कोई भी रेंट पे मिल जाए तो चलेगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कंपनी में दूसरा घर देख के तुमको दिलवा देंगे बाद में। तो ऐसा ही होता है, सेम डे अपना सामान वामान शिफ्ट करने के लिए हिम्मत बनाते हुए अपने फ्लैट में जाता है। हिम्मत तो दिन में भी नहीं हो रही थी कि उस फ्लैट में वो घुसे, लेकिन दरवाज़ा खोल के रखता अभी और धीरे धीरे करके पूरा सामान वामान पैक कर रहा होता है। तभी उसके बाजू में रहने वाले एक अंकल उसके दरवाजे के पास आते हैं और अंकल बोलते हैं कि क्या हुआ बेटा, तुम कहीं जा रहे हो? और ये पहली बार था कि वहां के किसी इंसान ने उससे बात किया था। वो बोलता है कि हाँ अंकल, मैं ये घर खाली कर रहा हूँ। तो अंकल बोलते हैं क्यों बेटा, कोई दिक्कत हो गई है? ऐसा सवाल करते हैं अंकल, लेकिन एक डर के साथ ये बोलता है हाँ अंकल, मैं आपको बताता हूँ। ये उठ के जाता है और अंकल को एक एक चीज A to Z बता देता है कि पिछली रात में क्या क्या हुआ था। अंकल बोलते हैं बेटा तुम्हें तो पता ही नहीं था, ये तो हम सबको पता है। ये बोलता है क्या पता है? तो अंकल बोलते हैं कि बेटा ये जो रूम है, जो फ्लैट है जहाँ पे तुम रह रहे हो, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज से तीन महीने पहले शायद तुम्हारे ही पोस्ट का कोई इंसान था यहाँ पे जो रहता था, और उसकी पत्नी से उसकी आए दिन बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो आदमी था ना उसका किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चलने लगा था और उसकी पत्नी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वो कहीं नासिक से दूर कोई काम के लिए गया हुआ था, उसी बीच में उसकी पत्नी ने खुद को खुश कर ली, और जो खुश की थी ना उसने, जो बेडरूम है ना तुम्हारा बेडरूम का बेड उसी के ऊपर, और ये सब कुछ होने के एक हफ्ते बाद हमको आजू बाजू वाले लोगों को सबको पता चला जब स्मेल आई घर से कि शायद कुछ बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। फिर पुलिस को फ़ोन किया गया और पता किया गया तो पता चला कि वो बेड पे अभी भी ऐसे ही पड़ी हुई थी। तब उसकी बॉडी को निकाला गया। तब से इस घर से अजीबोगरीब रात के टाइम में रोने की आवाज़ सुनाई देती थी, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, जैसे कोई बहुत दर्द में रो रहा है। और उसका पति जो था उसके बारे में पता चलता है तो उसको ले जाया जाता है पुलिस के द्वारा, और जो भी चीज़ें होती है वो तो होती है बाद में, वो ये घर खाली कर देता है। उसके बाद इस घर में कोई भी नहीं आया था और तुम पहले हो जो उसके बाद, उस कांड के बाद यहाँ पे आए थे, और देखो अब तुम भी इतनी जल्दी खाली कर रहे हो। बाप रे, बहुत खतरनाक था। और इस घटना की जानकारी हमें खुद जिसके साथ ये घटना घटी है उसी के भाई से पता चली, जो कि नासिक में ही रहता था, जिसका नाम था अरुण। उसने लिखा और बताया कि भाई पूरी दुनिया को बताइए, बस मेरे भाई का असली नाम थोड़ा सा रिवील मत करना। बहुत स्कैरी घटना थी भाई, बहुत स्कैरी। और इस घटना से भी हमें सीख मिलती है कि भाई अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि एबनॉर्मल समझ में आ रही है, तो उसको हल्के में ना ले, उसको ऐसे इग्नोर मत करें। अगर कुछ समझ में आ रहा है कि ये तो हमने किया ही नहीं है फिर भी हुआ है और हम अकेले हैं घर पे कोई आया नहीं है, तो तुरंत उसमें एक्शन ले।
ये कुछ भी हो सकता है भाई, आजकल की दुनिया में तो कहीं पे भी कैसी भी घटनाएं घट सकती है। खैर इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। इसी तरह की कोई भी कहानी टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।